नमस्कार दोस्तों, मैं दीनदयाल यादव अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ जहाँ पर हम लोग अपनी गायें बांधते हैं। ये देखिए, पीछे सारी गायें दिख रही होंगी आप लोगों को। चलिए आपको पूरा दिखाते हैं। बहुत सारी गायें यहाँ पास, और यहाँ पर हम लोगों का तंबू भी बना हुआ है जो हम आपको आज दिखाएंगे और शेयर करेंगे आपके साथ सारी बातें, और पूरा ग्राउंड दिखाएंगे कहाँ कहाँ पास गायें हैं यहाँ पास, और यहाँ के पीछे, यहाँ जो पीछे ग्राउंड दिख रहा है पूरा पहाड़ी एरिया दिख रहा होगा आपको, देख सकते हैं आप लोग। और चलिए हम आपको अपना तंबू दिखाते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दिखाते हैं। दोस्तों, ये देखिए तंबू बना हुआ है पीछे, ऐसे ही तंबू होते हैं, और इसमें हमने आपको चढ़ के भी दिखाया है। अंदर पूरा एकदम बैकग्राउंड सा बना है, पूरा गोल गोल सा है, पीछे देख सकते हैं आप। और इसमें पानी नहीं जा सकता है, बहुत तेज़ जब अगर दो तीन दिन लगातार बारिश होती है तभी इसके अंदर पानी जाता है, वरना यहाँ पानी नहीं जाता है इसके अंदर। और धूप भी नहीं लगती है, बहुत गर्मी में बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल एकदम ठंडी ठंडी इसके अंदर हवाएं आती हैं जब अगर लेट जाओ इसके अंदर। चारपाई भी रखी हुई है जैसे कि हमने आपको दिखाया भी है, आपने वीडियो में देखा होगा। और अंदर का सीन पूरा एकदम साफ नहीं दिख रहा था, इसकी वजह से आपको पूरा क्लीन नहीं दिखा होगा, लेकिन मैं फिर दोबारा कोशिश कर रहा हूँ अंदर क्या क्या है इसके, तो मैं पूरा दिखाऊँगा। और भी यहाँ दो तीन तंबू बने हुए हैं, उनको भी मैं आपको दिखाऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ भी। और ये देखिए, यहाँ पास छोटू खड़ा हुआ है, और अंदर आप देख सकते हैं चारपाई दिख रही है जो लगी हुई है। ये देखिए, देसी जुगाड़ करके उसको वहाँ पास फंसाया गया है चारपाई को, ये देखिए। और ये दूध है, और ये दूध के लिए टांगी है डोलची, इसको डोलची बोलते हैं दोनों तरफ जो हैं। और इसमें पैर रख के चढ़ा जाता है जैसे मैंने आपको चढ़ के दिखाया है। ये देखिए, इसके अंदर आराम से लेट सकते हैं। और चलिए हम और दिखाते हैं आगे की वीडियो। आप देखिए कितने सारे यहाँ पास गायें हैं। Thank you.
खा रहे ना वही। अभी मैं बांस के उस पे बैठा हुआ हूँ जो लड़ी पे लगाया जाता है इसको। ये देखिए बांस की है, इसको झोपड़ की तरह बनाया गया है बैठने के लिए। और आप लोगों को मैंने पूरा दिखा दिया घुमाकर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।